हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि महाराष्ट्र में 100 करोड़ मासिक उगाही का कांड बिना मुख्यमंत्री की जानकारी के नहीं हो सकता। उन्होंने ये भी कहा कि यदि मुख्यमंत्री को जानकारी नहीं है कि उसके मंत्री व अधिकारी क्या गुल खिला रहे हैं तो उनको एक पल भी मुख्यमंत्री के पद पर रहने का अधिकार नहीं है। उद्धव ठाकरे को अविलंब इस्तीफा भी देना चाहिए। बता दें कि वह अंबाला में मीडिया से रूबरू हो रहे थे। उन्होंने कहा कि कोरोना वैक्सीन को लेकर हरियाणा में चलाई जा रही ड्राइव में सोमवार को हरियाणा में एक दिन में 2,48,312 लोगों को टीका लगाया गया, जो एक रिकॉर्ड है। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि हरियाणा में हर सप्ताह के सोमवार और मंगलवार को मेगा टीकाकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसी कड़ी में सोमवार को पूरे हरियाणा में करीब 2.5 लाख लोगों का टीकाकरण किया गया है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। हरियाणा में सोमवार और मंगलवार को मेगा वैक्सीनेशन डे के रूप में मनाया जाता है। कल सोमवार को एक दिन में सारे हरियाणा में 2.5 लाख लोगों को वैक्सीनेशन की गई है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। महाराष्ट्र में 100 करोड़ रुपए मासिक की उगाही का कांड बिना मुख्यमंत्री की जानकारी के नहीं हो सकता। और अगर मुख्यमंत्री को ये जानकारी नहीं है कि उसके मंत्री और अधिकारी क्या गुल खिला रहे हैं, तो उसको एक पल भी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने का अधिकार नहीं है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को अविलंब त्यागपत्र देना चाहिए। ब्रेकिंग न्यूज रासबसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक कर।